पब्लिक टीवी आपकी आवाज। टीडीआई सिटी निवासी 27 वर्षीय व्यापारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वो शादी के बाद पत्नी के साथ केरल घूमने गए थे, लौटे तो तबीयत खराब होने पर जांच कराई और कोविड पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने शहर के एक निजी अस्पताल में 24 दिसंबर को जांच के लिए सैंपल दिया था। मंगलवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। सर्विस लॉन्च टीम ने उनके घर दवा पहुंचा दी है। बुधवार को उनके घर के सदस्यों की सैंपलिंग कराई जाएगी। नमूना लेकर जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेजा जाएगा। मुरादाबाद में 6 माह बाद कोरोना केस मिला है। सर, मुरादाबाद में कोविड पॉजिटिव अभी पाया गया है, कौन है, कहां का है और किस क्या कंडीशन? आज उज्जवल गुप्ता, उम्र 27 वर्ष, निवासी टीडीआई सिटी मुरादाबाद, कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी केरल से आने की हिस्ट्री मिली, उनके द्वारा 21 तारीख में भी टेस्ट कराया गया, 22 में भी जो कि निगेटिव था, कल 24 था, 25 तारीख में फिर से उनके द्वारा सैंपल दिया गया जिसकी आज रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने प्राइवेट लैब पर अपना टेस्ट कराया था और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब वो ठीक हैं। उन्होंने ये शिकायत थी कि उन्हें बुखार था, हल्का गले में दर्द था और कमजोरी महसूस दे रही थी, उनके द्वारा इसलिए अपना टेस्ट कराया गया। अब वो ठीक हैं। हमारी चिकित्सकों की टीम के द्वारा उनको देखकर घर पे ही होम आइसोलेट कर दिया गया है तथा उन्हें दवाइयां उपलब्ध करा दी गई हैं। उनके जितने भी नज़दीकी कॉन्टैक्ट थे उनकी सबकी जांच कराई जा रही है तथा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कोविड के मद्देनज़र इस अस्पताल में 100 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, जिसमें से 40 बेड समस्त आवश्यक चिकित्सा उपकरण तथा औषधियों के साथ कल से शुरू कर दिए जाएंगे। समस्त चिकित्सकों की ड्यूटी लगा दी गई है और लोगों से ये अपील की गई है कि वो भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें तथा 2 गज की दूरी को बनाए रखें। वह अगर उन्हें बुखार, खांसी, जोड़ों में ज़्यादा दर्द, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत महसूस देती है तो हमारे स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला अस्पताल में आएँ, चिकित्सीय परामर्श लें और अपनी जाँच कराएँ। सर, यूपी में क्योंकि अलर्ट पहले से था, मुरादाबाद में पहला केस सब पॉजिटिव हो गया है, तो क्या व्यवस्था और एक्स्ट्रा व्यवस्था? हमारे यहाँ पे हमारे 4 CSC में भी हमने बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और जांच की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। और कोई जनता से मैं यही अपील करता हूँ, घबराए नहीं, हम लोग पूरी तरीके से उनकी चिकित्सा सेवाएँ देने के लिए सक्षम हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।